हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉप 20 जीके क्वेश्चंस के इस क्लास में। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ जीके के कुछ टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके पिछली परीक्षाओं पे आधारित हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से एटलीस्ट आप मुझे 10 क्वेश्चंस करके दिखाएंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं जीके का ये क्लास। लेकिन वीडियो पे जो नए कैंडिडेट हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे नेवी एसएसआर MR के लिए नए बैच की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो अगर आपको भी ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितना भी मैं आपको जीके का क्लास प्रोवाइड कराया हूँ, वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ, सबका मैंने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर बाकी क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लासेज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दिन में मैं आपको सिलेबस वाइज जीके करा रहा हूँ और शाम के टाइम जो है क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सो चलिए आज के इस क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 8 मई और ऑप्शन डी 15 मई। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है भारत में जो अध्यापक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। लेकिन ये जो है ये नेशनल टीचर डे है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है वर्ल्ड टीचर डे, जिसे हम लोग इंटरनेशनल टीचर डे कहते हैं। तो वो भी याद कर लीजिएगा कि कब मनाया जाता है। तो जो आपका इंटरनेशनल टीचर डे है वो ये तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो जो भारत में टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है, जो नेशनल टीचर डे है हमारा वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और जो इंटरनेशनल टीचर डे है, वर्ल्ड टीचर डे है, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है। तो कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजस्थानी साहित्य, ऑप्शन बी राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन सी प्रशासनिक सेवाएँ और ऑप्शन डी है राजस्थानी राजनीतिक। तो कन्हैयालाल सेठिया क्या है? तो ये आपके जो है राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं, ठीक है, ये लिटरेचर से संबंधित हैं, साहित्य से संबंधित हैं, राजस्थानी साहित्य से संबंधित, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किस देश को जो है द लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि उगते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्वे को जो है द लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से? सूर्योदय का देश, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है, किस नगर को? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोचीन और ऑप्शन डी है मुंबई। तो जो आपका अरब सागर की रानी है ये जो है आपके कोचीन को कहा जाता है, कोचीन नगर को कहा जाता है, ठीक है, कोचीन नगर को, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी यानी राज्य पक्षी कौन सा है वहाँ का, ठीक है, उस राज्य का पार्टिकुलर पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गुड़ावन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बांझ और ऑप्शन डी है कबूतर। तो एक पक्षी पाया जाता है राजस्थान में जिसका नाम है गुड़ावन। इसके कई सारे नाम हैं, बाकी के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। सोहन चिड़िया इसे बोला जाता है, हुकना बोला जाता है, गुराइन बोला जाता है, ठीक है। इस चिड़िया का नाम क्या है याद कर लीजिएगा, गुड़ावन है, सोहना चिड़िया, हुकना, गुराइन, ये सारा जो है नाम इसी चिड़िया का है जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे बाद में पुनः राज्य का दर्जा दिया गया? तो निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य को जो है बाद में पुनः राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है गोवा, गोवा को जो है बाद में जाकर के पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक जयंती सद्भावना दिवस के रूप में तथा बरसती आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक की जयंती को जो है सद्भावना दिवस के रूप में तथा बरसती आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी संजय गांधी। तो किस व्यक्ति के जो है जयंती को सद्भावना दिवस और बरसती आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, राजीव गांधी की जयंती को जो है सद्भावना दिवस और बरसती आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किस जो है दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर और ऑप्शन डी है 14 दिसंबर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है 14 दिसंबर, इसी तिथि को जो है हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? मतलब कि कौन सा खनिज जो है राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सीसा, जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी है हमारा चांदी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, सीसा और जस्ता, खास करके राजस्थान में ये बहुत ही अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, एकाधिकार प्राप्त है, मतलब कि स्पेशली यहीं पे ये पाए जाते हैं, ठीक है, सीसा और जस्ता पूरा खनिज है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 24 सितंबर और ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 8 अगस्त को और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर को। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलास सिंचाई योजना का संबंध है, तो विलास सिंचाई योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी झालवाड़, ऑप्शन बी बूंदी और ऑप्शन ए गंगानगर। तो विलास सिंचाई योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है आपका झालावाड़ से है। ये कहाँ से है, कहाँ से संबंधित है? विलास सिंचाई योजना झालावाड़ से संबंधित है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए वन महोत्सव दिवस, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और ऑप्शन डी है कारगिल विजय दिवस। तो मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, याद करते हुए चलेगा सभी क्वेश्चन। अभी आप कहिएगा तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस जीके सीरीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी है 21 जून को। तो विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 4 अक्टूबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व वन जीव दिवस 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन चालू हो गए यहाँ पे, स्पोर्ट्स से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। तो यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? खास कि इस संबंध वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार पूछा जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, या फिर विश्व अनाथनानंद का संबंध किस खेल से है, तो ऐसे पूछा जाता है। तो यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, ये जो है यूकी भावरी टेनिस से ही संबंधित है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है यूकी भावरी? टेनिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद और ऑप्शन डी है विज्ञान। तो ये आपको सिंपल सा पता होगा, ये खेलकूद के जो है क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। खेलकूद के क्षेत्र में अगर आप उत्कृष्टता जो है प्राप्त करते हैं तो आपको ये जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी है गोल्फ। तो जो हमारा डीसीएम
ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल में दिया जाता है ये, फुटबॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, माइकल फेलपस किस खेल से संबंधित है, तो माइकल फेलपस किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी तैराकी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, माइकल फेलप्स जो है, सॉरी फेलप्स है, तो ये किस खेल से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार, एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में जो है नेवी SSR MR और एयरफोर्स के भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी है 1997। तो आपका ये अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सो कैसा लगा आज के क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो थम्स अप लाइक करके जरूर बताएगा, और 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल अपने मन से सही किए हैं ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने GK की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, कितनी अच्छी जा रही है। और साथ में प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी जो है ये वीडियो मिले, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।